so whenever we are dealing with the the study techniques as such, the very first technique that come into mind is how to study the current topic. जो अभी चल रहा है टॉपिक उसको कैसे करना है तो सिंपल है ना बस कि बस जाना है क्लास अटेंड करना है फैकल्टी जो पढ़ा रही है वो समझने की कोशिश करना है पहले पंद्रह बीस मिनट पहले दस पंद्रह मिनट बहुत कंसंट्रेशन रहेगा बाद में अपने को समझ में नहीं आएगा अपन कहाँ घूमने चले गए फिर उसके बाद थोड़ा सा पोस्ट रीडिंग करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे दिस इज व्हाट द यूजुअल प्रैक्टिस इज थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं राइट right? थोड़े से कुछ पहले क्वेश्चन पूछता हूँ आपको क्या आपको ऐसा कोई टूल चाहिए डू यू वॉन्ट सम टूल ज यूर कॉन्सेंट्रेशन इन द्लासरूम हाउ टू एक्ट्रैक्ट मैक्म आउटपुट फ्रॉम यूर क्लास अटेंडेंस क्लास अटेंडेंस ऐसा नहीं है मैं दो तीन घंटे चार घंटे क्लास में बैठ रहा हूँ तो मुझे तो ज्यादा से ज्यादा उसमें से मिलना चाहिए कोई उसमें से पंद्रह परसेंट ले रहा हूँ तो कोई अस्सी परसेंट ले रहा हूँ डू यू वॉन्ट टू नो की एक लिमिटेड टाइम काम करके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट कैसा मिला इजेड वर्क ओके दिस इजेड टाइम और मैंने ज्यादा से ज्यादा उसमें आउटपुट कैसे निकालना है तो आठ दस घंटे बैठ गया पता चला कि मेरा तो काम चार घंटे का ही हुआ है तीन घंटे का ही हुआ है यानी मेरा रिलैक्सिंग टाइम भी उसी में चला गया लेकिन मेरा रिलैक्स हुआ ही नहीं और पढ़ाई भी नहीं हुई Do you want to to know the proper approach to solving? These so these are प्रॉपर अप्रोच टू unanswered क्वेश्चन for you. एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको अभी नहीं आता शायद जब मैं आंसर दूंगा तो आपको लगेगा ये तो मालूम था तो फिर अभी आंसर देके देखो आप एक भी क्वेश्चन का मैंने चार पांच क्वेश्चन पूछे एक भी क्वेश्चन का आप आंसर नहीं कर पाओगे दैट स आपको नहीं मालूम मालूम भी है तो कही कहीं ना कहीं बैक मेमोरी में है आपने कभी उसको इंप्लीमेंट ही नहीं किया है आई एम गोइंग टू टेल यू द आंसर नाउ ओके बट वॉट एग्जैक्टली आर सपोज टू डू इज स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग इट स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग इट तभी तो ध्यान में रहेगा ओके सो लेट्स गो फॉर सच